हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग कुमार फ्रॉम यू आर सुपर्ब चैनल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मेरे भाई सिप को जिन्होंने मुझे अपने साथ एक कॉलेब वीडियो करने का मौका दिया। तो गाइस आज हम बात करेंगे डीसी और मार्वल दोनों के टॉप 5 सुपर हीरोज और सुपर विलन की, जिनमें डीसी से होंगे शज़ैम गॉड्स ऑफ गॉड, वंडर वुमन, गोल्डन ईगल आर्मर, मोबियस चेयर बैटमैन, एंटी मॉनिटर और ट्रिगन। दूसरी तरफ मार्वल से बात करेंगे डॉक्टर डूम, कॉस्मिक घोस्ट राइडर, वर्दी सिल्वर सर्फर, इमोर्टल हल्क और रियोन थॉर किंग की। और गैस तुम्हारा भाई भी सुपर हीरोज से रिलेटेड वीडियोस बनाता है तो एक बार इस भाई का चैनल यूआर सुपर भी जरूर चेक करना। मेरी गारंटी है कि आप लोग निराश नहीं होंगे। और मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम को ज्यादा तोड़े मरोड़े। नंबर 1 शज़ैम गॉड्स ऑफ गॉड। वेल गाइस आपने इसके बारे में काफी कुछ सुना होगा, पर क्या आपको इसके ओरिजिन पता है? नहीं पता, तो चलिए आज जान लेते हैं। तो गाइस द डार्क साइड वॉर जस्टिस लीग स्टोरी लाइन में डार्क साइड को मार दिया जाता है, जिसे मारता है एंटी मॉनिटर जो कि एक सुपर विलन है, और डार्क साइड भी एक सुपर विलन है, बट इसकी स्पीसीज न्यू गॉड्स की है। और डार्क साइड की डेथ के बाद शज़ैम के पैंथियन कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसका अपने गॉड यानी कि उसके नाम शज़ैम में ही छुपे गॉड से कनेक्शन टूट जाता है। फिर वही विज़ार्ड अपीयर होता है जिसने शज़ैम को पावर्स दी थी, जो कि माना जाता था कि वो मर चुका है, पर अब वो वहाँ शज़ैम के पुराने गॉड्स को न्यू गॉड से रिप्लेस करने के लिए आता है। और ये न्यू गॉड्स भी उसके पुराने गॉड्स की तरह ही उसके नाम की स्पेल से ही थे, जिनमें एस से एस आइबा, एस से एच रोनमीर, ए से एनापैल, जेड से जोनस, इसे एटे, एम से मामारागन, जिनमें कुछ तो डीसी कैरेक्टर्स हैं और कुछ रियल माइथोलॉजी से बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। नंबर 1 एस आइबा। इसकी पावर है स्ट्रेंथ और एक डीसी कैरेक्टर है, और ये उस ग्रुप का मेंबर है जिसे ओल्ड गॉड्स कहते थे, जिसे द डांसर ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका डिस्ट्रक्शन डांस ही यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 2 एच रोनमीर। इसकी पावर फायर है और ये डीसी कैरेक्टर है जो कि शज़ैम को न्यू पावर फायर देता है, और इसे लोग अलग अलग नाम से जानते या मानते हैं। कुछ कहते हैं कि गॉड ऑफ लाइट एंड लाइफ है, और कुछ कहते हैं कि गॉड ऑफ डेथ और फायर है। और गाइस इसकी फुल एबिलिटीज अभी तक अननोन है, साथ ही टेलीपैथी, सेव टू लिमिटलेस डिग्री, अल्टर साइज पावर भी रखता है। नंबर 3 एनापैल। और इसकी पावर कंपैशन यानी कि दया करना है, और ये एक रियल माइथोलॉजी कैरेक्टर है जो कि गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन एंड बर्थ यानी कि पुनर्जन्म और जन्म की देवी है, जिसे साइबेरिया के कोरियांक लोग पूछते हैं, और इसके नाम का मतलब कोरियांक भाषा में लिटिल ग्रैंड मदर है। नंबर 4 जोनस। जिसकी मेन पावर है मैनिपुलेशन, और ये एक डीसी कैरेक्टर है, और गैस इसके पास बहुत सारी पावर्स है एक गॉड के रूप में, पर ये कितनी पावर्स को शज़ैम के साथ शेयर करता है ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। जिसकी पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इल्यूजन कास्टिंग, टेलीपैथी, फ्लाइट ETC। नंबर 5 एटे। जिसकी पावर है बोल्डनेस, जो कि रियल माइथोलॉजी कैरेक्टर है, और ये ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ मिस्चीफ, डेल्यूजन, इविल, मिसफॉर्च्यून, ऑब्सेशन, गिल्ट और इन्फेचुएशन कहते हैं। जिसकी मेन पावर बोल्डनेस सेम एकल्स की पावर करेज को रिप्लेस करती है। नंबर 6 मामारागन। जिसकी पावर लाइटनिंग है, जो कि रियल माइथोलॉजी कैरेक्टर है, जिसको ऑस्ट्रेलियन आदिवासी माइथोलॉजी में एक लाइटनिंग गॉड माना जाता है, जिसको नामारागन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और अगर आप इस नाम से इसे गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा। और गाइस बाद में रिवील किया गया कि द बिज़ार्ड शज़ैम ही मामारागन गॉड ऑफ थंडर है, हालांकि आदिवासी माइथोलॉजी में इसके लुक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, और यही लाइटनिंग पावर ज्यूस की लाइटनिंग पावर को न्यू गॉड्स की लाइटनिंग पावर से रिप्लेस करती है। और गैस तब इन गॉड्स को पाने के बाद शज़ैम पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और कहलाता है गॉड्स ऑफ गॉड। नंबर 2 अब आते हैं वंडर वुमन के गोल्डन ईगल आर्मर पर। तो गैस गोल्डन ईगल आर्मर की फर्स्ट अपीयरेंस किंगडम कम स्टोरी लाइन इशू नंबर 3 में हुई थी, और ये एक मिस्टिक आर्मर माना जाता है, और तब डायना ने इस आर्मर को फाइट में एज सोल्जर लड़ने के लिए पहना था। और 3 साल बाद वंडर वुमन इशू नंबर 144 में डायना ने एक गनशॉट से घायल होने के बाद इसे पहना था, जो कि उसे फुल बॉडी प्रोटेक्शन देता है, और एक वॉरियर आर्मर है जो कि डायना सिर्फ नीड के टाइम ही पहनती है, जिसने डायना को एक बार जॉर्जिया में न्यूक्लियर वेस्ट के मटेरियल से वो ब्लास्ट से बचाया था। और इस आर्मर की एक हायरार्की भी है जिसमें 3 टाइप शामिल है, नंबर 1 गोल्डन, नंबर 2 सिल्वर, नंबर 3 ब्रॉन्ज, जो कि इसकी पावर लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप 1 पर गोल्डन आर्मर डायना के लिए, 2 पर साइडकिक डोनट ट्रॉय के लिए सिल्वर आर्मर, नंबर 3 पर ब्रॉन्ज आर्मर कैसी द वंडर गर्ल के लिए। इसकी पावर्स में शामिल है ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक्स ETC। अब आते हैं नंबर 3 मोबियस चेयर बैटमैन पर। वेल गाइस द डार्क साइड वॉर जस्टिस लीग स्टोरी लाइन में बैटमैन गॉड्स ऑफ नॉलेज बनता है, जिसकी पावर्स में एंडलेस मेंटल एबिलिटी शामिल थी। तो गाइस जस्टिस लीग स्टोरी लाइन में जब बैटमैन और वंडर वुमन एंटी मॉनिटर के बारे में जानने के लिए मेट्रॉन से पूछते हैं, तब वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता। तब मेट्रॉन मोबियस चेयर पर बैठा होता है, और फिर वंडर वुमन उससे अपने लासो को यूज़ कर उस चेयर पर से हटा देती है,
और तभी बैटमैन वहाँ बैठ जाता है, और बैठते उसे मिलती है मेंटल एबिलिटीज और बनता है गॉड्स ऑफ नॉलेज। और अब इस पावर से बैटमैन क्राइम होने से पहले उसे प्रिडिक्ट कर सकता था, हर सवाल का उसके पास जवाब था। वो क्रिमिनल्स को टेलीपोर्ट कर उन्हें अपने पास बुला लेता था, जिसकी एबिलिटीज़ में माइंड रीडिंग, फ्यूचर प्रिडिक्ट, टेलीपोर्ट और नॉलेज पावर्स थी, और क्राइम होने से पहले भी उसे रोक देता था। पर धीरे धीरे उसको उसका एडिक्शन पड़ गया, उसमें बदले की भावना आई और वह उन लोगों के पीछे पड़ गया जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था। पर डार्क साइड के मरने के बाद मोबिस चेयर को ऑलमैन ले लेता है और बैटमैन नॉर्मल हो जाता है। बल्कि सबको द डार्क साइड वॉर जस्टिस लीग स्टोरीलाइन जरूर पढ़नी चाहिए, रियली ये स्टोरीलाइन कमाल की है। नंबर 4, अब बात करते हैं द एंटी मॉनिटर की। वेल गस, एंटी मॉनिटर डीसी कॉमिक्स में एक सुपर विलन है, जिसका फर्स्ट कैमियो क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ इशू नंबर 2 में हुआ था, और इसकी अपीयरेंस क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ इशू नंबर 6 में हुई थी। इसके अल्टर ईगो का नाम है मोबियस, और मोबियस चेयर भी इसी ने बनाई थी। और गस, इसकी एबिलिटीज़ में शामिल है नियर लिमिटलेस कॉस्मिक पावर्स, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन, एंटी मैटर मैनिपुलेशन, रियलिटी वॉपिंग, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एंटायर यूनिवर्सेस, लॉन्गेविटी, जीनियस लेवल टैक्टिशियन, सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। और गैस, इसने थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव मैटर यूनिवर्स कंज्यूम किए थे अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए, और इसीलिए बहुत सारे डेथ्स के रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जितने किसी और सुपर विलन ने नहीं किया, क्योंकि इसने थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वेल गैस, इसकी मेन पावर ही ऑब्जर्व करना है। ये किसी भी मैटर यूनिवर्स में वहाँ की किसी भी चीज़ से पावर या एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। हालांकि इमोर्टल नहीं है, पर जब तक ये मैटर यूनिवर्स में है तब तक इसे मारा नहीं जा सकता। ये किसी यूनिवर्स को भी रिक्रिएट कर सकता है। और द डार्क साइड वॉर जस्टिस लीग स्टोरी लाइन में इसने डार्क साइड को मारा था, जिससे सजैम की पावर्स डिस्टर्ब हो गई थी। और बाद में ये भी रिवील किया गया कि अगर एंटी मॉनिटर या उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है तब वो 6 डायमेंशन में रीजनरेट हो जाएंगे। नंबर 5, अब बात करते हैं ट्रिगन की। वेलकम, ट्रिगन एक बहुत ही पावरफुल सुपर विलन है, जो कि डार्क साइड और एंटी मॉनिटर जैसे सुपर विलन के बराबर ही खतरनाक माना जाता है। और इसका कलर रेड है, जिस वजह से इसे रेड डीमन भी कहा जाता है, जिसकी 4 आइस और 2 हॉर्न्स हैं। और इसकी स्पीसीज डीमन है और प्लेस ऑफ ऑरिजिन हेल है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस था द न्यू टाइटन टीन्स इशू नंबर 2 में, जिसके राइटर थे मार वॉल्फमैन। और गैस, अब इसकी ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं, जिसके बाद इसकी पावर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका जन्म हुआ एक मिस्टिक समूह की एक लेडी के और उनके द्वारा वर्शिप गॉड के साथ सेक्सुअल रिलेशन से, और इसी वजह से इनका चाइल्ड इविल एनर्जी से भरा हुआ पैदा हुआ। वेल गैस, ये न्यू अर्थ यूनिवर्स से है, जिसकी रेस अजाराथियन है, और जहाँ वो जन्मा वो जगह बियॉन्ड द ग्रेट डोर ऑफ अजार थी। तो गैस, पैदा होता ही इसने अपने आसपास के सभी लोगों को मार डाला, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। और 1 साल की उम्र में इसने पूरे प्लैनेट को रूल करना स्टार्ट कर दिया, और 6 साल की उम्र में इसने पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और 30 साल की उम्र तक इसने मिलियंस प्लैनेट पर अपना डोमिनेंट हासिल कर लिया, जो कि यूनिवर्स न्यू अर्थ यानी कि उसके डायमेंशन में के थे। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो गैस, एक इविल और पावरफुल डीमन है, जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिसमें इमोर्टैलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपैथी, साइज शिफ्टिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीकाइनेसिस और मैटर मैनिपुलेशन शामिल है। साथ ही डीमन की फौज को भी अपनी कमांड से क्रिएट कर सकता है और दूसरी दुनियाओं के लिए वार्म होल्स भी ओपन कर सकता है। वेल गैस, तो शायद अब आप इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ को देखकर इसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे। तो चलो गैस, अब बात करते हैं मार्वल कैरेक्टर्स की, जिसमें नंबर 1 है डॉक्टर डूम, जिसे विक्टर वॉन डूम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक सुपर विलन है, साथ ही लैटवेरिया का रूलर भी, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस द फैंटास्टिक 4 इशू नंबर 5 में थी। वेल गैस, डॉक्टर डूम एक ऑसम साइंटिस्ट और मिस्टिक आर्ट्स में इंटेलिजेंट दोनों है, जिसने मिस्टिक आर्ट्स एबिलिटीज़ को तिब्बत में मॉन्ग से सीखा था, और ये काफ़ी अच्छा सोर्सरर है, और इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिसमें जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और आर्मर के साथ टेक्नोपैथी, एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड ट्रांसफरेंस, डार्क मिस्टिसिज्म, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लेजर्स, फोर्स ब्लास्ट, फ्लाइट बाय रॉकेट बूट्स, हाईटेक वेपन्स और गैजेट्स पावर शामिल हैं। और इसके पास मिस्टिकल पावर्स भी हैं, जैसे स्पेल कास्टिंग, डायमेंशनल ट्रैवल, मिस्टिकल ब्लास्ट ETC। और गैस, इसमें इसके जीनियस लेवल इंटेलेक्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है। इसका दिमाग प्लैनेट पर जीनियस दिमागों में से एक है। इसने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए हैं, जिसमें टाइम मशीन और मैनी टाइप्स ऑफ रोबोट शामिल हैं। साथ ही डूम बोट्स रोबोट, जो कि डॉक्टर डूम की मैकेनिकल कॉपी हैं, जो कि उसी की तरह दिखते, बोलते और एक्ट करते हैं। और इन सब डूम बोट्स में एडवांस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो कि उन्हें अपने आप को रियल मानने पर मजबूर करते हैं। और डूम बोट्स को डॉक्टर डूम तब यूज़ करता है जब वो अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता। और डॉक्टर डूम के पास रोबोटिक, फिजिक्स, साइबरनेटिक्स, जेनेटिक, वेपन टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और टाइम ट्रेवल सब है। साथ ही नेचुरल लीडरशिप, स्ट्रेटजी, पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन भी है। मतलब आप मुझे बताओ कि इस बंदे के पास क्या नहीं है। नंबर 2, अब बात करते हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर की। वेल गैस, तो एक अल्टरनेट रियलिटी अर्थ TRN 66 में फ्रैंक कैसल रहता था, जो कि थानोस के साथ एक बैटल में मारा जाता है। मरने के बाद वो मैट टाइटन से बदला लेने के लिए मेफिस्टो से डील करता है और अर्थ पर रिटर्न करता है पनिशर द घोस्ट राइडर बनकर।
पर तब तक थानोस अर्थ पर सभी को हराकर अर्थ से जा चुका होता है और अर्थ पर कोई नहीं बसता और वो वहाँ सदियों तक अकेला रहता है। पर एक दिन वहाँ घायल गैलेक्टस आता है जो कि थानोस से डिफीटेड होता है और अर्थ पर हीरोज से हेल्प मांगने आता है, पर वहाँ सिर्फ घोस्ट राइडर ही होता है। और फिर जब वो घोस्ट राइडर से हेल्प मांगता है तब घोस्ट राइडर रिटर्न में गैलेक्टस से उसकी कुछ कॉस्मिक पावर मांगता है और बनता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर। फिर जब वो इन पावर्स के साथ थानोस से लड़ता है पर थानोस वहाँ आते ही गैलेक्टस को हरा देता है। पर कॉस्मिक घोस्ट राइडर और थानोस लड़ते लड़ते ये पाते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं हरा सकते। तब जाकर मैट टाइटन उससे एक डील करता है कि तुम मेरे साथ चलो जहाँ तुम्हें बहुत सारे इविल लोग मिलेंगे जिन्हें तुम पनिश कर सकते हो। वेल गाइस, अब बात करते हैं इसकी पावर्स की, जिसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनर्जी प्रोजेक्शन, हेल फायर मैनिपुलेशन, एक्सप्लोजन मैनिपुलेशन, चेन मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन और मार्शल आर्ट शामिल है, और टाइम स्टोन के साथ टाइम ट्रैवल, टाइम स्टॉप, डायमेंशनल ट्रैवल शामिल है, जैसा कि इसने इस कॉस्मिक घोस्ट राइडर स्टोरीलाइन में किया था जहाँ ये टाइम स्टोन की हेल्प से थानोस को चेन में बांधकर टाइम ट्रैवल करवाता है। अब बात करते हैं इसकी इक्विपमेंट पावर्स की, जिसमें नंबर वन है चेन। कॉस्मिक घोस्ट राइडर की चेन सेटरॉक की बॉन्ड से बनी है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि मल्टीपल अपोनेंट्स को एक बार में हरा सकती है। नंबर दो, हेल साइकिल। इसकी बाइक बहुत ही तेज स्पीड के साथ ग्राउंड से एयर और वैक्यूम स्पेस में ट्रैवल कर सकती है। नंबर थ्री, गन्स। इसके पास दो गन्स हैं जिससे ये हेल फायर शूट करता है। नंबर एट, अब बात करते हैं वर्दी सिल्वर सर्फर की, यानी कि जब सिल्वर सर्फर म्यूनियर को उठाने के लिए वर्दी होता है तो क्या कॉमिक्स में अल्टरनेट रियलिटी अर्थ TRN 66 में थानोस यानी कि मैट टाइटन गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, जिसमें वो सिल्वर सर्फर को मारने में सफल रहता है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमिक्स में कैरेक्टर परमानेंट डेड नहीं होते, तो सदियों के बाद सिल्वर सर्फर म्यूनर के लिए बर्दी होकर लौटता है जिसे फॉलन वन के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रोसेस में ये ब्लैक मैटर का हो जाता है। और गैस, पहले सिर्फ सिल्वर सर्फर को ही जान लेते हैं जिससे वर्दी सिल्वर सर्फर को समझने में आसानी होगी, जिसकी पावर्स में है ग्रेट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ट्रैवलिंग थ्रू स्टार एंड ब्लैक होल, ग्रेट स्पीड विद फ्लाइट, एनर्जी ऑब्जर्वेशन, रीअरेंज मैटर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टेलीपैथी, ETC। और इसका सर्फ बोर्ड इंडिस्ट्रक्टेबल है जिसको ये एज ए शील्ड और एज ए वेपन यूज करता है। और अब आते हैं इसके वर्दी सिल्वर सर्फर पर। इसको म्यूनियर के साथ और न्यू पावर्स मिली जिससे वो आराम से माउंटेन्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वर्दी होने से उसको वेदर कंट्रोलिंग पावर भी मिली जैसे इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, हरिकेन, अर्थक्वेक, टाइडल ETC। और म्यूनियर के साथ वो पावरफुल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता था, एलिमेंट्स को ट्रांसम्यूट कर सकता था, जिसने थानोस को एक ही हमले के वार से उसको बहुत दूर फेंक दिया और थानोस भी पूरी तरह डर गया। इसी पावर से इसने कॉस्मिक घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, साथ ही एक म्यूनियर ब्लास्ट एनर्जी से इसने गैलेक्टस को भी बीट कर दिया, साथ ही एनिमीज की वीकनेस को भी सेंस कर सकता था। नंबर नाइन, तो गैस अब बात करते हैं इमोर्टल हल्क की। वेल गैस, इमोर्टल हल्क हल्क का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन है जिसकी पावर्स इन्फिनिट हैं, जहाँ तक कि वो एस्ट्रल फॉर्म और घोस्ट को भी देख सकता था, जिसकी पावर्स की हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, 2016 के सिविल वॉर सेकेंड स्टोरी लाइन में ब्रूस बैनर को ब्रूस की रिक्वेस्ट पर मारा गया था, जिसे हॉकाई ने गामा इरेडिएटेड वाइब्रेनियम एरो से मारा था। हालांकि तब ब्रूस बैनर ये देखना चाहता था कि क्या मैं मर सकता हूँ या नहीं, पर हल्क नहीं मरा, पर सभी को लगता था कि वो मर चुका है। और गैसी ब्रूस बैनर जो कि हॉकाई के चलाए गामा इरेडिएटेड वाइब्रेनियम एरो से बच गया था, वो हल्क रात के टाइम बैनर की बॉडी पर फुल कंट्रोल रखता था और दिन के टाइम ब्रूस बैनर बन जाता था। अब बात करते हैं इसकी पावर्स की, जिसमें सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी तो शामिल है ही, साथ में कुछ ऑसम पावर्स भी, जिसमें नंबर वन रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जो कि कोई ऑर्डिनरी हीलिंग फैक्टर नहीं बल्कि ऐसे हीलिंग फैक्टर कि हल्क की बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके रख दिया गया था पर फिर भी वो सेकंड्स में हील हो गए, जिसमें उसके दिल के दो टुकड़े कर दिए गए थे पर वो भी सेकंड्स में हील हो गए। नंबर टू, इम्यूनिटी टू ऑल डिजीजेस एंड वायरसेस। नंबर थ्री, सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी। नंबर फोर, एडेप्टेशन टू हॉस्टाइल एनवायरमेंट। तो गैस, इसकी बॉडी किसी भी एनवायरमेंट में ढल भी सकती है जिसमें चाहे ऑक्सीजन लेस आउटर स्पेस क्यों ना हो। नंबर फाइव, एस्ट्रल फॉर्म परसेप्शन। तो गैस, हल्क एस्ट्रल फॉर्म और घोस्ट को भी देख सकता था, जिसने ये एबिलिटी अपने फादर के घोस्ट को देखने के लिए डेवलप कर ली थी। नंबर सिक्स, फील लाइस। वेल गैस, हल्क इतना कैपेबल हो गया था कि वो झूठ को भी फील कर सकता था, साथ ही डर को, और इससे वो अपने एनिमीज की वीकनेस भी खोज लेता था। वेल गैस, शायद अब आप इमोर्टल हल्क की पावर्स और उसके इस रूप का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता था। और गैस, अब रून किंग थॉर को मेरे वाइस से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब सबसे आखिर में हमारे पास है द रून किंग थॉर। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के ओरिजिन की, तो ये टाइम था रैग्नारोक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और थॉर एसगार्ड का किंग था, और वही लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और रैग्नारोक के चलते थॉर का हैमर म्योनिर भी अब टूट चुका था। और जब थॉर एकदम अकेला हो जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता, तब थॉर ओडिन के रास्ते पर चलने के बारे में सोचता है।
है। और जैसा ओडिन फोर्स थॉर को गाइड करती है, थॉर वैसे ही करता जाता है। थॉर अपनी दोनों आंखें निकाल कर मिमिर की वेल में डाल देता है और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगा लेता है। और जब थॉर और ओडिन की स्पिरिट मिलती है, तब थॉर को बोला जाता है द रून किंग थॉर। तो अब अगर बात करें रून किंग थॉर के पावर्स की, तो रून किंग थॉर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे ओडिन फोर्स, रूइन मैजिक, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल पावर्स, टेलीपैथिक पावर्स, डायमेंशन मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हाई हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन हियरिंग, थंडर स्ट्राइक और टच टू डेथ जैसी पावर्स हैं। रून किंग थॉर ने मिडगार्ड के सरपेंट को भी लिफ्ट किया है, और एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थॉर ने बस अपनी एक थंडर स्ट्राइक से आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय किया है। रून किंग थॉर के पास दुनिया भर का हर नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज साइंटिफिक हो या फिर कॉस्मिक। रून किंग थॉर अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही रून किंग थॉर ने इमोर्टल मैंगोक, जिसके पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं थी, रून किंग थॉर ने उसका भी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया था, वो भी बस अपने एक हाथ से। इसके अलावा रून किंग थॉर ने गॉड ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, अपने एक सिंगल एनर्जी ब्लास्टर से 7 सेलेस्टियल्स को भी मारा है। इसी के साथ रून किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है, एक साथ पूरी ह्यूमन रेस को किसी भी गैलेक्सी या मल्टीवर्स में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी के साथ रून किंग थॉर पूरी तरह से इमोर्टल यानी अमर है, यानी जब तक थॉर खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो बस यही था आज के वीडियो में, और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड था मेरे एक सब्सक्राइबर आरकी नागर को। और अगर आपको हमारे इन भाई का एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया हो, तो आप इनके चैनल पर भी एक विजिट ज़रूर मारना, ये भी सुपर हीरो से रिलेटेड ऑसम कंटेंट बनाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एंड बी सेफ।